लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे बच्चों? प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन अपन पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीपल रिफ्लेक्शंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, उसको अपन देखेंगे आज डिटेल में। जैसा हमने कहा था भाई, हम क्या करते हैं, दो प्लेन मिरर्स कंसीडर करते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन दोनों के बीच में रखा हुआ है O, और उस ऑब्जेक्ट की मिरर वन से डिस्टेंस है D1 और मिरर टू से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D2। अब देखो क्या होगा, पहले तो कुछ इस तरह की रेज होंगी, ऑब्जेक्ट से मिरर M1 पे गिर रही होंगी डायरेक्टली और ऑब्जेक्ट से M2 पे गिर रही होंगी। ऑब्जेक्ट से M1 पे गिरी, और ऑब्जेक्ट से गिरी M2। मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी बच्चा? ऑब्जेक्ट की इमेज M1 बनाएगा, और उस इमेज को बोल देंगे कितना नाम, उसको देते हैं I1। ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई किसने? मिरर वन ने। और क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर वन से D1 डिस्टेंस पे है, तो I1 की भी डिस्टेंस मिरर वन से क्या होगी? D1 होगी। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ होगा, ये जो रेज इंसिडेंट हुई थी, इन रेज को मिरर वन ने क्या किया बेटे? रिफ्लेक्ट किया। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है मिरर वन से, वो एक्सटेंड करने पर I1 पे इंटरसेक्ट। ऑब्जेक्ट मिरर टू से D2 डिस्टेंस की दूरी पर है, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो I2 बना देते हैं, वो भी कितनी दूरी पर बनेगी? D2 डिस्टेंस पर। बेसिकली वही वाली बात है, जो ये रेज आई थी, इन रेज को मिरर टू ने रिफ्लेक्ट किया, और वो रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ पे जाकर के मिल रही है? एक्सटेंड करने पर मिरर टू के पीछे I2 पॉइंट पर मिल रही है। अच्छा, अब ध्यान दो, कंसिडर दीज रेस,
ये वाली और ये वाली, ये रे किस पे इंसिडेंट हो रही है, मिरर टू पर, है ना। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहा है, आई वन। इसका मतलब क्या है, आई वन विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर टू। अब आई वन अगर ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा मिरर टू के लिए, डिस्टेंस ऑफ आई वन फ्रॉम एम टू देखो कितनी है, 2 times d plus d2। इस आई वन की एम टू से डिस्टेंस है 2d1 plus d2। तो इट्स इमेज, इमेज ऑफ आई वन विल बी फॉर्म्ड बाय एम टू, और एम टू से कितनी डिस्टेंस पर इमेज बनाएगा, जितनी डिस्टेंस पर आई वन है उतनी डिस्टेंस पर उसकी इमेज बन जाएगी, यानी एम टू से जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2d1 plus d2। और उस इमेज को हम क्या नाम दे देंगे बेटे, I12। I12 मतलब इमेज ऑफ I1 फॉर्म्ड बाय M2। फिर देखो ये वाली रेज कंसिडर करो, कौन सी, दीज रेज, और ये वाली रेज। ये रेज कहां से आ रही है, आई टू से आ रही है देखो, और इंसिडेंट किस पे हो रही है, एम वन पे। तो ये जो आई टू है वो एम वन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। I2 will act as object for M1 and distance of I2 is from M1. M1 से I2 की डिस्टेंस कितनी है बेटे, t1 plus t2 d2। therefore its image will be formed by M1, और उस इमेज को क्या नाम देंगे हम, I21। I21 मतलब इमेज ऑफ I2 फॉर्म्ड बाय M1। इमेज ऑफ I2 फॉर्म्ड बाय M1। M1 से कितनी डिस्टेंस बन जाएगी बेटे, d1 plus 2d2 डिस्टेंस पर। I2 और ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d1 plus 2। अच्छा फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये I21 जो है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो I21 की M2 से डिस्टेंस क्या है, d1 plus 2d2 plus d1 plus d2 मतलब 2d1 plus 3d2। तो
तो एम टू से कितना डिस्टेंस पर? 2d1 + 3d2 डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगी। ये किसकी इमेज बनी है बेटे? ये I21 की इमेज बनी है। किसमें? मिरर टू में। तो उसको नाम देंगे I212। I21 मतलब देखो जो आखिरी वाला नंबर है ना वो तो हमें बता रहा है कि कौन से मिरर ने इमेज बनाई है। M2 जितने भी इमेज बना रहा है तो सबके पीछे 2 2 2 आ रहा है, और जो उसके पहले का जो है वो ये बता रहा है कि किसकी इमेज बनी है। तो किसकी इमेज बनी है? I21 की इमेज बनी है। किसने बनाई है? मिरर टू ने। उसी तरह से I12 जो है वो मिरर वन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो I12 की मिरर वन से डिस्टेंस कितनी है? इसमें ये दोनों ऐड कर दो तो ये हो जाएगी 3d1 + 2d2। तो यहां से थ्री डी वन प्लस टू डी टू डिस्टेंस पीछे इमेज बन जाएगी, I12 की इमेज बन जाएगी। I12 की इमेज को क्या नाम देंगे? I121। देखो M1 जितनी इमेज बना रहा है तो उसके पीछे वन आ रहा है, I1, I21, I121। ये I1 किसकी इमेज है? ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ही है। ये किसकी इमेज है? I2 की इमेज जो मिरर वन ने बनाई। ये क्या है? I12 की इमेज जो मिरर वन ने बनाई। अब देखो ये जब मिरर वन से डिस्टेंसेस आप लिख रहे हो ना, अलग अलग इमेजेस की, तो देखो उसको एक टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अच्छा ये सिलसिला चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे, ठीक है? इसको इस तरह की टेबल बना के लिख लो आप। ये है मिरर वन, ये है मिरर ठीक है? और मिरर वन के नीचे मैं लिखूंगा मिरर वन जो इमेजेस बनाएगा, मतलब कि I1। मिरर टू इमेज बनाएगा कौन सी? I2। फिर I1 की इमेज मिरर टू बनाएगा, है ना? उस इमेज को क्या नाम दूंगा? I12। और I2 की इमेज मिरर वन बनाएगा, उसको क्या नाम दूंगा? I21। फिर I21 की इमेज मिरर टू बनाए, उसको नाम देंगे I212। और I12 की इमेज मिरर वन बनाए, उसको नाम दूंगा I12। फिर I121 की इमेज मिरर टू बनाएगा तो उसको नाम दे दो I1212। और I212 की इमेज मिरर वन बनाएगा, उसको नाम दे देंगे I2121। एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस। अब ये जो इमेजेस है वो कितनी कितनी डिस्टेंस पे बनेंगे? जैसे M1 से डिस्टेंसेस लिखता जाता हूं मैं, इन सब की करस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम M1। तो M1 से ऑब्जेक्ट D1 दूरी पे था तो I1 भी D1 दूरी पे बन गई, और ऑब्जेक्ट M2 से D2 दूरी पे था तो I2 D2 दूरी पे बन। अब I12 की दूरी अगर पता करनी है आपको तो आप क्या करो, ये जो I1 की जो डिस्टेंस थी ना D1, इसमें D1 + D2 ऐड कर दो। इस D1 में क्या ऐड कर दो? D1 + D2। तो D1 में D1 + D2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2D1 + D2। उसी तरह से
आई टू वन की डिस्टेंस पता करनी है, तो इसमें क्या करें, ये जो डी टू है इसमें ऐड कर दो डी वन प्लस डी टू, तो ये बन जाएगा डी वन प्लस टू डी टू। फिर उसके बाद आई टू वन टू की दूरी पता करनी है, तो ये वाली जो दूरी है इसमें डी वन प्लस डी टू ऐड कर दें, तो टू डी वन प्लस थ्री डी टू। और आई वन टू वन की पता करनी है, तो ये आई वन टू में डी वन प्लस डी टू ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा कितना, थ्री डी वन प्लस। फिर इसमें डी वन प्लस डी टू ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा फोर डी वन प्लस थ्री डी टू। और इस वाले में डी वन प्लस डी टू ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा थ्री डी वन प्लस फोर डी टू, है ना। देखो इसको चेक कर लेते हैं, ये इस तरह के मेथड से सही जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पहली इमेज डी टू पर, दूसरी टू डी वन प्लस डी टू पर, देखो टू डी वन प्लस डी टू पर, फिर तीसरी कहाँ पे आ रही है, टू डी वन प्लस थ्री डी टू पर, तो टू डी वन प्लस थ्री डी टू पर आ रही है। एम वन के लिए पहली डी वन पर, ये तो डी वन पे ही बनेगी। दूसरी इमेज कहाँ से बन रही थी, एम वन से, डी वन प्लस टू डी टू पर, टेबल में भी आ रहा है डी वन प्लस टू डी टू। तीसरी इमेज बन रही है थ्री डी वन प्लस टू डी टू, टेबल में भी आ रहा है थ्री डी वन प्लस टू डी टू। तो इस तरह से चलता चला जाएगा। क्या किया, डी वन में क्या ऐड कर दिया, डी वन प्लस डी टू ऐड कर, ठीक है, तो ये मिल गया आपको। फिर उसी तरह से डी टू में यहाँ भी क्या ऐड कर दिया, डी वन प्लस डी टू ऐड कर, तो ये मिल गया। फिर इसमें फिर से क्या ऐड कर दिया, डी वन प्लस डी टू ऐड कर दिया, तो टू डी वन प्लस थ्री डी टू मिल गया। फिर इसमें फिर से क्या ऐड कर दिया, डी वन प्लस डी टू ऐड कर, तो मिल गया थ्री डी वन प्लस टू डी टू। इस वाले में फिर से क्या ऐड कर दिया, डी वन प्लस डी टू, इधर भी क्या ऐड कर दिया, डी वन प्लस, ठीक है। अच्छा एक चीज और नोट करो कि इन इमेजेस के बीच में आपस में कितनी कितनी डिस्टेंसेस है, जैसे इस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो टू डी वन है, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो देखो जरा, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा टू डी टू। फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये फिर से आ जाएगी टू डी वन, है ना। तो टू डी वन, फिर टू डी टू, फिर वापस टू डी वन, फिर वापस टू डी टू, ऐसे चलता चला जाए। इधर देखो तो ये वाली कितनी है, टू डी टू, फिर ये वाली कितनी है, ये है टू डी वन, फिर ये वाला कितना है, टू डी टू। इस तरह से चलता प्रोसेस है। फर्स्ट वाले में टू डी टू आएगा ना, ये वाला टू डी टू। अच्छा देखो एक बार अपन पेज नंबर वन पे जाकर के इसको दोबारा देखें लेंगे, प्रोसेस को कैसे हो रहा है देख लो। देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज गई एम वन पे, इंसिडेंट हुई ये वाली रेज, राइट। और एम वन ने इन रेस को रिफ्लेक्ट किया, इन रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई वन आ रहा है ना।
अब ये वाली रेस जो M1 ने रिफ्लेक्ट करी थी, ठीक है, ये रेस वो M2 पे जाकर के गिर रही है, है ना, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, I1। तो M2 को क्या लगेगा, I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। M2 को लगेगा कि I1 उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब I1 की दूरी M2 से कितनी है, D1 plus D2। तो M2 जो है वो I1 की इमेज बना देगा कितनी दूरी पर, 2D1 plus D2 दूरी पर, और उस इमेज को नाम देंगे I1 2D1 plus D2 दूरी पर M2 से बना दी। अच्छा, ऑब्जेक्ट से रेज जो है वो ये वाली रे M2 पे डायरेक्टली भी गिर रही होंगी। ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली गिरी किस पर, M2 पर। अब ये जो रेज हैं ये रिफ्लेक्ट हुई, और इन रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड मैंने किया तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मिरर के पीछे इंटरसेक्ट कर रही है। और ऑब्जेक्ट M2 से D2 दूरी पर है तो ये I2 पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्ट इमेज M2 ने बनाई वो है I2। अब ये जो I2 के करस्पॉन्डिंग जो रेज है, ये वाली रे और एक ये रे गिर रही है M1 पे, तो M1 को क्या लगेगा बेटे इन रेस की वजह से, कि I2 उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो I2 M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो M1 से I2 की दूरी क्या है, D1 plus 2D2। तो M1 I2 की इमेज बनाएगा कहां पे, I2 1 पे। M1 जो है वो I2 की इमेज बनाएगा कहां पे, बनाएगा I2 1 पे। तो M1 की I2 से डिस्टेंस कितनी है, D1 plus 2D2। तो M1 से ये D1 plus 2D2 डिस्टेंस पीछे इमेज मैंने बना दी I2 1, और फिर ऐसा चलता चला जाएगा। फिर I2 1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो I2 1 की M2 से डिस्टेंस कितनी है, ये D1 plus 2D2 में ऐड कर दो D1 plus D2 फिर से, तो 2D1 plus 3D2। तो M2 से 2D1 plus 3D2 इस डिस्टेंस पीछे I21 की इमेज बन जाएगी। वो इमेज को क्या नाम देंगे, I212। फिर उसी तरह से I12 की इमेज M1 बनाएगा कहां पर, I121। ये ऐसा चलता चलता, और ये टेबल बना करके अपन डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि मिरर 1 कौन कौन सी इमेज बनाएगा, मिरर 2 कौन कौन सी इमेज बनाएगा, और कितनी कितनी डिस्टेंसेस पे बनाएगा। मिरर 1 की इमेजेस पहले तो डायरेक्ट वाली इमेजेस लिख दो, तो मिरर 1 की इमेज बनी I1, और मिरर 2 ने जो इमेज बनाई ऑब्जेक्ट की वो बनाई I2, ठीक है। इसकी डिस्टेंस भी लिख दो, I1 कितनी डिस्टेंस पे बनी है, D1 पर, I2 कितनी डिस्टेंस पे बनी है, D2 पर, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे क्रॉस करते जाओ, यानी I1 की इमेज बना दो किसमें, M2 में, तो I1 की इमेज M2 बनाएगा, तो इस इमेज का नाम हो जाएगा I12। फिर I2 की इमेज बना दो M1 में, तो उसका नाम हो जाएगा I21। फिर I21 की इमेज बना दो M2 में, तो हो जाएगा I212। फिर I12 की इमेज बना दो किसमें, M1 में, तो उसका नाम हो जाएगा I121। फिर I121 की इमेज बना दो M2 में, तो हो जाएगा I1212। फिर I212 की इमेज बना दो किसमें, M1 में, तो वो हो जाएगा I2121। डिस्टेंसेस की बात करनी है तो जैसे I1 की इमेज बना रहे हो आप M2 में, तो I1 की जो डिस्टेंस थी D1, उसमें D1 प्लस D2 और ऐड कर दो, तो D1 में D1 प्लस D2 ऐड करोगे, D1 में क्या ऐड करोगे, D1 प्लस D2, तो कितना मिल जाएगा, 2D1 प्लस D2। उसी तरह से I2 की इमेज बना रहे हो M1 में, तो ये जो D2 है उसमें क्या ऐड कर दोगे, D1 प्लस D2,
तो बन जाएगा डी वन प्लस टू डी टू, फिर वापस से डी वन प्लस टू डी टू में फिर से ऐड कर देंगे डी वन प्लस डी टू, तो क्या बन जाएगा टू डी वन प्लस थ्री डी टू, फिर टू डी वन प्लस डी टू में ऐड कर देंगे क्या डी वन प्लस डी टू, तो बन जाएगा थ्री डी वन प्लस टू डी टू, फिर थ्री डी वन प्लस टू डी टू में फिर से ऐड कर देंगे डी वन प्लस डी टू, तो क्या बन जाएगा फोर डी वन प्लस थ्री डी टू, फिर टू डी वन प्लस थ्री डी टू में फिर से ऐड कर देंगे क्या डी वन प्लस डी टू, तो बन जाएगा थ्री डी वन प्लस फोर डी टू, ऐसा चलता चला जाएगा। देखो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, मान लो हमसे कहा जाए कि दो मिरर्स हैं और एक ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, M1 से मान लो कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है और M2 से 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, तो हमें पता लगाना है एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम the two mirrors the images of the object O will be. तो देखो हम वही टेबल की फॉर्म में लिखते चले जाते हैं, M1 से इमेज बनाओ I1, M2 से इमेज बनाओ I2, हाँ बच्चों
देखो M1 जो इमेजेस बना रहा है वो कौन कौन सी बना रहा है? M1 ने पहले डायरेक्टली ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई I1, M2 ने ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी डायरेक्टली कौन सी I2। तो ऑब्जेक्ट M1 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे था, तो I1 बना दी 15 सेंटीमीटर पर, और ऑब्जेक्ट M2 से 10 सेंटीमीटर पे था, तो जो डायरेक्ट इमेज बना दी वो 10 सेंटीमीटर, ये I1 बना दी 15 सेंटीमीटर पर और I2 बना दी 10 सेंटीमीटर। ये दो इमेजेस तो डायरेक्टली बन गई। अब क्या है, ये काम करेंगी किसका फर्दर, एक दूसरे के लिए करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स का काम करेंगी। तो I1 की अब इमेज बनाएगा कौन? M2। हाँ, अब I1 की जब इमेज बनाएगा M2, तो 15 में क्या ऐड करना है? 25। तो ये जो 15 है इसमें 25 सेंटीमीटर ऐड कर दो। 25 सेंटीमीटर क्या है? बेसिकली दोनों मिरर्स के बीच की डिस्टेंस। तो 15 प्लस 25 यानी 40 मिल जाएगा। फिर उसी तरह से I2 की इमेज बनाएगा M1, तो I2 की जो दूरी है 10, उसमें फिर से क्या ऐड कर दूंगा? 25। तो 10 में फिर से मैंने ऐड कर दिया 25, तो 10 प्लस 25 कितना बन गया? 35। फिर 35 में फिर से ऐड कर दूंगा कितना? 25। तो 35 प्लस 25 60। उसी तरह से 40 में फिर से ऐड कर दूंगा 25, तो 40 प्लस 25 60। फिर 65 में फिर से 25 ऐड कर दूंगा, तो 65 प्लस 25 90। उसी तरह से 60 में फिर से 25 ऐड कर दूंगा, तो 60 प्लस 25 कितना? 85। तो I1 जो इमेजेस बनाएगा कौन कौन सी? I1, I21, I21 21, I21 21, उसकी डिस्टेंसेस क्या क्या होंगी? 15, 35, 65, 85। ऑल दीज आर डिस्टेंसेस फ्रॉम M1। उसी तरह से M2 जो इमेजेस बनाएगा वो खुद से कितनी कितनी दूरी पर बनाएगा? 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, इस तरह की डिस्टेंसेस पर इमेजेस बने। क्या ये समझ में आया सब लोगों को? यस सर। ओके okay। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली कब है? व्हेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। नाउ वी कम टू द केस व्हेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट सम एंगल। तो हम कंसिडर करते हैं एंगल बिटवीन M1 एंड M2 इज 90 डिग्री। दे आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस। ये एक ऑब्जेक्ट और इस तरह से M1 और M2 के सामने रखा। कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है बेटे? M1 से रखा हुआ है D1 डिस्टेंस पर, और M2 से रखा हुआ है कुछ D2 डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो M1 बना देगा। कितनी डिस्टेंस बना देगा? D1 पर, और ऑब्जेक्ट की इमेज M2 भी बना देगा। और जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उससे उतनी डिस्टेंस पर इमेज बना देगा।
जो एम वन ने इमेज बनाई उसको नाम दे देंगे आई वन, जो एम टू ने इमेज बनाई उसको नाम दे देंगे आई टू। बेसिकली ये इमेज का मतलब क्या है? देखो इमेज का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट से रेज गिरी एम वन पे, और एम वन ने क्या किया, इन रेज को रिफ्लेक्ट किया इसको भी रिफ्लेक्ट, इन रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे एक्सटेंड करूंगा तो आई वन पे आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है ना। अब देखो उसी तरह से ये जो दोनों रेज हैं, ये दोनों रेज एम टू पे इंसिडेंट हो रही हैं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई वन आ रहा है, तो क्या ऐसा नहीं होगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं I1 will act as object for M1? तो I1 की इमेज I1 will act as object for M2। और M2 जब I1 की इमेज बनाएगा, I1 की इमेज किसको बन रहे, कौन बना रहा है, M2, तो कैसे बनाएंगे भाई, हम इस M2 को एक्सटेंड करते हैं और जितनी डिस्टेंस ये आगे था, कितना डिस्टेंस आगे था, D2 डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस पीछे इसकी इमेज बना दे। तो D2 डिस्टेंस पीछे बनाओगे तो इसका मतलब ये I2 के ठीक नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये भी D2 डिस्टेंस पीछे था। और I1 की इमेज बनाई है मिरर 2 ने, तो इसका नाम क्या देंगे, I12। फिर उसी तरह से I2 की इमेज, जो ये जो रेस थी, जो ऑब्जेक्ट से कुछ रेस इंसिडेंट हुई होंगी, किस पर बेटे, मिरर 2 पर, कुछ ऐसे। और ये रेज रिफ्लेक्ट हुई होंगी कुछ इस तरह से, तो देखो इन रेज की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज रेज, M1 को क्या लगेगा, I2 acts as an object for M1, तो I2 की इमेज कौन बनाएगा, M1, तो कैसे बनाए, M1 को एक्सटेंड कर दें, I2 देखो कितना डिस्टेंस पे है, तो I2 M1 से D1 डिस्टेंस पे है, तो D1 डिस्टेंस ही नीचे उसकी इमेज बना देगा। अब d1 डिस्टेंस नीचे जब मैं जाऊंगा तो
वो एग्जैक्टली आई वन टू के साथ ही कॉन्साइड कर जाएगी। तो उस इमेज को क्या नाम देंगे बेटे, I21। उस इमेज को नाम देंगे I21। तो बेसिकली देखो टोटल इमेजेस बन तो रही हैं थ्री, थ्री इमेजेस आर ऑन। अच्छा अब देखो, अब उसके बाद फर्दर इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि देखो I1 के करस्पॉन्डिंग जो रे M2 पर बनी और M2 ने जब रेस को रिफ्लेक्ट किया, तो ये रेस इस तरह से डाइवर्ज हुई कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये जो रेज है, ये रे दोबारा M1 पे आ पाएंगी क्या बच्चों? ये तो ऊपर चली गई है, ये रे दोबारा M1 पे नहीं आ पाएंगी। मैं एक और डायग्राम बना के तुम्हें क्लियरली शो करता हूं, देखो कैसे कि इसमें क्या होगा, सिर्फ मिरर्स एक एक बार ही इमेजेस बन पाएंगी मिरर्स से, मतलब दो दो बार। जैसे ये दो मिरर्स हैं, M1 एंड M2, और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे रखा हुआ है M1 से T1 डिस्टेंस पर और M2 से T2 डिस्टेंस पर। अब क्या होगा, देखो देखो इस तरफ जो रेज गिर रही होंगी ना ऐसे राइट साइड में, वो तो वैसे भी आगे निकल जाएंगे। ये रे तो वैसे भी क्या है बच्चे, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम M2 में वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, है ना? कौन सी रेज पार्टिसिपेट करेंगी जिसकी वजह से इमेज I1 जो है M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इस तरह की रेज, ऐसी रेज, ठीक है? ये रे गिरेंगी किस पर, M2 पर, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा क्या, I1, ठीक है? लेकिन अच्छा I1 M2 के लिए इन रेस की वजह से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो M2 I1 की इमेज बना देगा, M2 विल फॉर्म इमेज ऑफ I1 और उस इमेज का क्या नाम होगा, I12। लेकिन ये जो रेज M2 रिफ्लेक्ट करेगा, नाउ दीज रेज विल नॉट गेट इंसिडेंट ऑन M1 अगेन। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि I12 की इमेज अब M1 बना देगा, बस अब इसके बाद इमेज फॉर्मेशन, सक्सेसिव इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो रुक जाए, है ना? ऑब्जेक्ट की इमेज बनी I1, I1 ने ऑब्जेक्ट का काम किया M2 से, M2 ने I1 की इमेज बना दी I12, और फिर जो रेज थी वो आगे चली गई, वो वापस M1 पे नहीं आई, ऑब्जेक्ट से M1 पे, M1 से M2 से, फिर M2 से बाहर। इसी तरह से ऑब्जेक्ट से M2 पे गिरेंगी, है ना? तो इमेज बन जाएगी कौन सी, I2, और फिर वो रेज रिफ्लेक्ट होकर के M1 पे गिरेंगे, तो I2 M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो उसकी इमेज बना देगा कौन सा, I21।
और फिर उसके बाद वो रे वहां बाहर निकल जाएंगे, फिर वो इस पर वापस नहीं आ पाएंगे, है ना। तो बच्चों ये बात समझ में आती है क्या कि टोटल इतनी इमेजेस बनेंगी, जैसे पैरेलल मिरर जब रखे गए थे तो इनफाइनाइट इमेजेस बन रही थी, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन चलते ही जा रहे थे, इसमें बस इतनी इमेजेस बनेंगी और ज्यादा इमेजेस नहीं बनेंगी। पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर कि ये तीन ही इमेजेस बनेंगे, टोटल इमेजेस चार बन रही हैं, लेकिन चार में से दो इमेजेस एक ही जगह पे बन रही हैं, तो थ्री डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो हम क्या लिखेंगे, थ्री डिस्टिंक्ट इमेजेस आर फॉर्म्ड। तीन डिस्टिंक्ट इमेजेस में बनेंगे, टू इमेजेस विल कोइंसाइड। कौन इमेजेस का नाम अगर मैं दूं तो कौन कौन सी बन रही है, आई वन, आई टू, आई वन टू एंड आई टू। वैसे तो चार हैं ये, लेकिन ये दोनों जो हैं ये क्या कर रही हैं, ये कोइंसाइड। तो इसकी वजह से इसको मैं थ्री डिस्टिंक्ट इमेजेस बोल रहा हूं। ओके, अच्छा, इन जनरल एक तरीका होता है, अगर मान लो हमें से ये कहा जाए कि M1 and M2 are placed at angle theta, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ इमेज, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। 360 डिग्री को एंगल बिटवीन मिरर से डिवाइड कर दो, पेट्रोल 99 हो गया। हाँ बेटा, पेट्रोल 9 टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, हम क्या करें 360 डिग्री बाय थीटा कैलकुलेट करें। अब ये 360 डिग्री बाय थीटा अगर होल नंबर आ रहा है, इफ 360 डिग्री बाय थीटा इज होल नंबर, ठीक है, तो होल नंबर अगर आ रहा है तो दो इसमें बातें हो सकती हैं, या तो ये ऑड आ जाए या ये इवन होल नंबर आ जाए। अगर इवन आ जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा बेटे, नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा हो जाएंगी 360 डिग्री बाई थीटा माइनस वन, और अगर ये ऑड आता है तो दो केस हमें कंसीडर करेंगे, करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली और दूसरा क्या है,
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकल, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है या एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ। अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे पता चलेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस पता चलेंगे 360 डिग्री बाय थीटा माइनस वन करके। और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे पता चलेंगे? तो नंबर ऑफ इमेजेस पता चलेंगे 360 डिग्री डिवाइड थीटा पे। ठीक है, जैसे मान लो 90 डिग्री था, थीटा 90 डिग्री था, तो 360 बाय 90 मैंने किया तो कितना आया बेटे? 4 कैसा है? इवन। तो इस वाले केस में आ जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 360 डिग्री बाय थीटा माइनस वन, मतलब कि नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे 3। ठीक है, मान लो थीटा 120 डिग्री हुआ, कुछ ऐसा केस हो गया, मिरर्स के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री। और ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, मिरर 1 से 50 डिग्री का एंगल बना रहा है और मिरर 2 से 70 डिग्री का। मिरर 1 से 50 डिग्री, मिरर 2 से 70 डिग्री। तो देखो दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री हो गया, तो 120 डिग्री बाय 360 डिग्री बाय 120 डिग्री करो, तो ये कितना आता है? 3 आता है। नाउ 3 इज ऑड, तो इधर आ जाओ, फिर देखेंगे क्या ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है कि असिमेट्रिकली। असिमेट्रिकली रखा है, एक मिरर से 50 डिग्री एंगल बना रहा है, एक मिरर से 70 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री बाय थीटा से आ जाएगा, मतलब यही 3 नंबर ऑफ इमेजेस भी हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि बिल्कुल 60-60 डिग्री दोनों के साथ बनाता तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस 2 ही मिलती है, है ना? ऐसा क्यों? देखो ये डायग्राम बना के देख सकते हैं हम, जैसे मैंने मिरर्स के बीच में एंगल ले लिया कितना बेटे? 120 डिग्री का एंगल ले लिया M1, और सिमेट्रिकल वाला केस ले लेता हूं, 50 डिग्री और 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो ऑब्जेक्ट की इमेज M1 बना है, तो वो भी कहां पे बना देगा? 50 डिग्री एंगल पे ही इमेज बना देगा उस, जितना डिस्टेंस ऊपर ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस नीचे उसकी इमेज, तो ये 50 डिग्री, ये डी है तो ये भी डी होगा। अच्छा, मैं ये हाई, ये जो मिरर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसको पी मानू और इसकी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस आर कहूं, तो I1 की भी डिस्टेंस आर हो जाएगी क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अब ऑब्जेक्ट की इमेज बनवाते हैं मिरर 2। देखो इतना जो एंगल है ये 70 डिग्री, अब ऑब्जेक्ट से मिरर 2 पे परपेंडिकुलर गिराया मैंने, तो वो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब मैं इस वाले लाइन को से जॉइन कर दूंगा तो ये, इसको नाम दे दूंगा क्या? I2,
और ये एंगल 70 डिग्री है, तो इधर जो एंगल बन रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ये भी एंगल हो जाएगा, है ना। अच्छा ध्यान दो, ये वाली डिस्टेंस फिर से आ रही है, अच्छा अब क्या आई वन की इमेज एम टू बना पाएगा क्या? हाँ बिल्कुल बना पाएगा, आई वन जो है वो एम टू के सामने है तो उसकी इमेज बनाएगा और उसके पीछे बनाएगा। उस इमेज को नाम दे दूंगा आई वन टू, लेकिन ध्यान दो आई टू की इमेज एम वन नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? देखो ये एंगल 120 डिग्री था और फिर ये एंगल 70 डिग्री हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? ये पूरा एंगल 190 डिग्री हो गया, 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, 190 हो गया, 190 हो गया। देखो M1 है और 190 डिग्री, 190 डिग्री मतलब यहाँ पे पहुंच गया, M1 के भी नीचे पहुंच गया, कहाँ पर इमेज बन गई? I2 पर। तो क्या होगा बेटा, ये इमेज बनाई थी M2 ने, मिरर 2 ने, अब I2 की इमेज M1 नहीं बना पाएगा क्योंकि I2 जो है वो M1 के नीचे चला गया है, I2 M1 के नीचे पीछे चला गया, तो I2 की इमेज M1 नहीं बना पाएगा। तो यही तीन इमेज बनेंगी, कौन सी? I1, I2 और I1। ठीक है, और ये जितनी भी इमेजेस होंगी ऑल दीज विल लाई, देखो इसकी सबकी डिस्टेंस r है, तो अगर मैं r रेडियस का एक सर्कल बना दूं तो ये इमेजेस जो हैं वो उस सर्कल पे लाई करेंगे, ऑल इमेजेस will lie on a circle which is centered at point of intersection of two mirrors. All images and objects. ऑब्जेक्ट भी उसी सर्कल पे लाइए। हाँ देखो दो डाउट है, अगर फ्रैक्शन में हुआ 360 डिग्री बाय थीटा फ्रैक्शन में हुआ तो कैसे करेंगे, वो भी मैं बता रहा हूँ तुमको। अभी पहले अभी होल नंबर वाला केस देख लेते हैं, और किस कोई मुझसे बोल रहा था सर प्रीवियस पेज पे जाओ, इसी पेज की बात कर रहे थे बेटे या इससे भी पहले वाले की बात कर रहे हैं? ओके हो गया, इस पेज का काम हो गया बेटे। हाँ ये वाला एग्जांपल मैं फिर से समझा दूंगा अभी, है ना, 120 डिग्री वाला। देखो क्या है, एक तो है कि नंबर ऑफ इमेजेस पता करना, तो वो कैसे पता किया भाई हमने? ये जो प्रोसेस था 360 डिग्री बाय थीटा निकाला, यानी 360 डिग्री बाय 120 डिग्री कर दिया, 3 आ गया। अब मैंने देखा 3 ऑड नंबर है, तो ऑड में दो केसेस बनते हैं, सिमेट्रिकली रखा है या असिमेट्रिकली रखा है। तो इस केस में क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा है, सिमेट्रिकली रखे होने का मतलब एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, असिमेट्रिकली मतलब कहीं और रखा है, तो कहीं और रखा है इस केस में, एक मिरर से 50 डिग्री एक मिरर से 70 डिग्री, तो ये केस आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री बाय 120 यानी
थ्री आ जाएंगे। और इसको अगर हम प्रॉपर रे डायग्राम बना के करें तो क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट की एक इमेज मिरर वन ने बनाई और ऑब्जेक्ट की एक इमेज मिरर टू ने बनाई। मिरर वन ने जो इमेज बनाई वो मिरर वन से 50 डिग्री पीछे है, है ना, आई वन। अब आई वन जो इमेज है इट इज स्टिल इन फ्रंट ऑफ एम टू, तो आई वन की इमेज एम टू ने बना दी, कौन सी, आई वन टू। और ऑब्जेक्ट की इमेज जो एम टू ने बनाई थी वो आई टू है। अब ये आई टू इमेज को अगर आप देखो तो ये मिरर वन के साथ 190 डिग्री एंगल बना रही है। मिरर वन से 190 डिग्री एंगल का मतलब क्या हो गया बेटे, ये मिरर वन के पीछे चली गई, है ना। ऑब्जेक्ट की जो इमेज एम टू ने बनाई थी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज एम टू ने बनाई थी वो मिरर वन के भी पीछे पहुंच गई। तो इसका मतलब क्या होगा, ये मिरर टू की इमेज मिरर वन नहीं बना पाए, मिरर टू की इमेज जो है वो मिरर वन नहीं बना पाएगा। मतलब I2 की इमेज मिरर वन नहीं बना पाएगा, तो I2 के बाद फर्दर फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो यही तीन इमेजेस बने। ये दिया हुआ है 120 को 70 प्लस 50 में स्प्लिट अपन को नहीं करना, ये तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। कहां पे रखा हुआ है ये तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। अच्छा, इसमें अपन इस तरह की टेबल जरूर बना सकते हैं, कैसे, देखो M1 M2 ये दो मिरर्स हैं, इनके बीच में एंगल टोटल कितना है, थीटा वन प्लस थीटा टू, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनके बीच में, ऑब्जेक्ट मिरर वन से रखा हुआ है थीटा वन एंगल पर और मिरर टू से रखा हुआ है थीटा टू एंगल, ठीक है।